स्वागत है आप सभी का एसके लाइव में। मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख संक्षिप्त खबरों की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर बंगाल में भी उतारेगी अपनी उम्मीदवार। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव की उपस्थिति में सचिवालय उत्तरकन्या में एक प्रशासनिक बैठक हुई संपन्न। बस टर्मिनल का उद्घाटन किए राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी। ब्रिगेड जनसभा को लेकर सिंह में दीवार लेखन कार्य हुआ शुरू। आग्नेयास्त्र सहित प्रतिबंधित संगठन NDFB के एक सदस्य गिरफ्तार। सिलगुड़ी में होने जा रहा है 34वां मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल के साथ उत्तर बंगाल में भी अपने उम्मीदवार को उतारेगी आम आदमी पार्टी। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि दक्षिण बंगाल की साथ उत्तर बंगाल में भी आम आदमी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन केंद्र कर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राज्य सरकार पर भी अपने सुर तेज किए। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली में सभी विपक्ष पार्टियों की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इनमें सभी विपक्षी पार्टी एक होते दिख रहे हैं। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों का राज्य सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने से बंगाल की राजनीति में हलचल शुरू कर दिया है। दीदी विरुद्ध बोलছে না তা নয় সেটা নয় একদমই নয় একদমই নয় দিদির বিরুদ্ধে আমরাও বলি উনিও বলেন ঠিক আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ কোনটা সেটাকে দেখতে হবে তার চেয়েও বড় বিপদ আপনি আপনি 33% বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাটা আগে বলবেন না 90%টা আগে ধরবেন? যারা গণতন্ত্র বাঁচাও বলছে তারাই আবার 90% প্রতিদ্বন্দ্ব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে আসছে, তো তাদের কথাটা নিশ্চয়ই বলতে হবে না? আমরা সেটাকেই প্রধান দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে সাফাইয়ের কোনো দরকার নেই যেটা দিল্লিতে আপনারা সাফ করেছিলেন? নিশ্চয়ই দরকার আছে, কিন্তু তার আগে সবচেয়ে বেশি দরকার যে আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটাকে বজায় রাখা, যেটা খুবই বিপন্ন। উত্তরবঙ্গ বিকাশ পরিষদ কে চেয়ারম্যান ও রাজ্যকে পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব কি উপস্থিতি মে উত্তরবঙ্গ কে শাখা সচিবালয়ে উত্তরকন্যা মে এক প্রশাসনিক বৈঠক হুই সম্পন্ন। इस प्रशासनिक बैठक में उपस्थित थे उत्तरबंग विकास परिषद के वाइस चेयरमैन तथा गंगारामपुर के तृणमूल विधायक विप्लव मित्र, उत्तर बंगाल विकास विभाग के सचिव वरुण कुमार राय के साथ दार्जिलिंग के जिला शासक जयश्री दास गुप्त। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उत्तरबंग विकास परिषद के चेयरमैन व पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि आगामी वर्ष से प्रत्येक जिला प्रशासन का 3 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके तहत ब्लॉक स्तर के आवश्यक विकास कार्य ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारी सीधे तौर पर कर पाएंगे। इसके द्वारा उत्तरबंग विकास विभाग द्वारा सीधे तौर पर कार्य करना संभव हो पाएगा। मालदा में गौरकन्या बस टर्मिनल का उद्घाटन किए राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी। যেভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশ এবং পরিবহন দপ্তর একাধিক দুবার মিটিং করেছে, জাতীয় সড়ক পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড বিহার, আমি একটা মিটিং করেছি, হাই লেভেল মিটিং, চিফ সেক্রেটারি একটা মিটিং করেছে, জেলা শাসকরা দুটো জেলার মালদা এবং মুর্শিদাবাদ একাধিকবার মিটিং করেছে, এবং আমার মনে হয়েছে যে সকলের উচিত সহযোগিতা করা, অসুবিধা তো একটু হবেই, সহযোগিতাটা করা দরকার, কারণ ফারাক্কা বারেজ একটা জাতীয় সম্পদ, একে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयाल पोथर थाना के डांगी ग्राम में पुलिस व ग्रामवासियों के बीच हुआ जमकर संघर्ष। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उक्त ग्राम एवं बांग्लादेशी व्यक्ति की तलाश में पुलिस देर रात तक ग्रामवासियों के घर में प्रवेश कर तलाशी कर रही थी। इसी को केंद्र कर पुलिस व ग्रामवासियों में संघर्ष शुरू हो गया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, ग्रामवासियों ने पुलिस के ऊपर हमले किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने टियर गैस चलाई जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया। इनकी रिहाई की मांग में बंगाल टू बंगाल रोड जाम कर टायर जलाए गए और विरोध प्रदर्शन किया ग्रामवासियों ने। परिस्थिति को नियंत्रित करने हेतु भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। भारत भूटान सीमांत क्षेत्र के बक्सा जिला अंतर्गत पड़ने वाले शशिपुर में आग्नेयास्त्र सहित प्रतिबंधित संगठन NDFB के एक सदस्य गिरफ्तार।
आरोपी व्यक्ति की शिनाख्त 25 वर्षीय आर्लिकास नारजी उर्फ एन हासदाई के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर 5 गोरखा रेजिमेंट की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमेरिका में निर्मित 7.65 mm पिस्तौल के साथ 3 कारतूस बरामद किया है। आरोपी युवक गोवेश्वर जाने के लिए रांगिया भूटान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस पकड़ने के दौरान पकड़ा गया। उक्त आरोपी असम के कोकराझार जिले के गोसई गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति को म्यांमार प्रशिक्षण हेतु जाना था। तृणमूल कांग्रेस की आगामी ब्रिगेड जनसभा को लेकर सिलीगुड़ी में दीवार लेखन कार्य हुआ शुरू। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में अगले महीने की 19 जनवरी को आयोजित होने वाली जनसभा को लेकर पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से तैयारियां जोरों पर है। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला कमेटी की ओर से सोमवार को ब्रिगेड की जनसभा को लेकर दीवार लेखन का कार्य शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस नेता व पार्षद कृष्ण चंद्र पाल के नेतृत्व में आज सिलीगुड़ी नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिगेड जनसभा को लेकर दीवार लेखन कर प्रचार किया गया। उत्तर बंगाल व सिक्किम के प्रमुख समाचारों से अपने आप को अपडेट रखने के लिए एसके लाइव चैनल को अभी अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। Photos and videos are memories for life. Leave it for professionals. For photography and videography, contact Somani Institute of Digivision and Productions. Mobile number 9434023813. Interested to learn photography, but don't have time on weekdays? Good news. We have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of Digivision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathaway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri. We stream over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television contains produced HD video. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एसके लाइव में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से दिया इस्तीफा। इंग्लिश बाजार थाने के मधुबाट इलाके के व्यासपुर गांव में आर्थिक तंगी से परेशान एक मैक्सी चालक युवक ने की खुदकुशी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंग्लिश बाजार थाने के मधुघाट इलाके के व्यासपुर गांव के निवासी मिठुन मंडल ने रविवार रात घर वालों की नजर से बचते हुए मिठुन ने घर के सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे दी। प्राथमिक पूछताछ से मिठुन की पत्नी रेखा मंडल ने बताया कि उसके पति स्थानीय एक व्यक्ति की मैक्सी चलाता था। उन्होंने बताया कि समय से नहीं जाने के कारण उसे गाड़ी चलाना नहीं दिया जाता था। ऐसे लंबे समय से चलते रहने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझने लगे। आर्थिक समस्याओं को लेकर वह मानसिक अवसाद में रहने लगा। इसी बीच रविवार रात इन बातों को लेकर परिवार वालों के साथ उसका विवाद हो गया। इसके बाद कुछ देर बाद उसने अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसको शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उक्त इलाके में घटने के बाद शोक व्याप्त है। जलपाईगुड़ी में लीगल राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मानवाधिकार सुरक्षा को केंद्र कर एक बैठक के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
इस संगठन के तीसरे स्थापना दिवस व मानव अधिकार दिवस को लक्ष्य कर एक आलोचना सभा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संगठन के कार्यालय में किया गया। इस सभा में उपस्थित थे स्टैंडिंग काउंसलर भारत सरकार के अधिवक्ता दीपंकर सेन, समाज सेवी ज्योत्सना कुमार दत्त के साथ अन्य। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अतिन्द्र चौधरी ने बताया कि बंगाल में मानव अधिकार को लूटा जा रहा है। भाजपा की गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा पर आम आदमी पार्टी ने उठाया सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल में भी सक्रिय होती दिख रही है। राजधानी कोलकाता के साथ अब आम आदमी पार्टी की नजर उत्तर बंगाल की अघोषित राजधानी सिलीगुड़ी पर टिकी रही है। सोमवार को सिलीगुड़ी में आम आदमी पार्टी की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी भावी रणनीति का खुलासा किया। आम आदमी पार्टी के उत्तर सचिव जॉर्ज गोम्स ने बताया कि आने वाले दिनों में संगठन के सदस्य पश्चिम बंगाल में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि 2021 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में भी काफी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, यही कारण है कि पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में जनाधार बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा निकाले जाने की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में सवाल करते हुए खुला पत्र भेजने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पत्र में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि प्रदेशों में भाजपा की ओर से संवैधानिक मानकों की धज्जियां उड़ाए जाने का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा पर सवाल उठाए गए हैं। माननीय राष्ट्रपति के दिए अन्याय भावे 20 जन निर्वाचित विधायक के अपनी बिना कारण बरखास्त करे। 23 मार्च 2018 दिल्ली हाईकोर्ट तादेर सदस्यता प्रदान करें एवं पुनर्बहाल करें। ये अपनार मुखोश खुले पड़े और जनसाधारण अपनार आसल चेहरार संगे परिचित हन। अन्याय भावे दिल्ली निर्वाचित निरंकुश संख्यागरिष्ठ सरकार के 3 बचर धरे नाना भावे हेनस्था करे आसछेन। आपनि सीबीआईर मर्यादा के भूलुंठित करेछेन। आपनार एवं आपनार भारतीय जनता पार्टीर काछे गणतंत्र कथाटारि कोनो मूल्य नेइ। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सोमवार दक्षिण सिक्किम के मणिराम भंजांग में नवनिर्मित पेरी गुम्बा का उद्घाटन किए। इस अवसर पर उन्होंने गुम्बा में प्रार्थना भी की और देहरादून से आए खिचेन रेम्पोचेन जो धर्मगुरु हैं उनसे आशीर्वाद भी लिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के लेक टाउन इलाके में दिन दहाड़े हुई दुस्साहसिक चोरी। जानकारी के अनुसार इस्लामपुर के लेक टाउन इलाके में सौगत मोदक के घर में चोरी की घटना घटी। सौरभ मोदक पेशे से इस्लामपुर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे। पारिवारिक सूत्र के अनुसार आज दोपहर को घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था, इसका लाभ उठाते हुए चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर अलमारी में रखे सोने व चांदी के गहने समेत अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। चोरों ने लाखों रुपए के अधिक व सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2011 के बाद सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है 34वां मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। आगामी 22 व 23 दिसंबर के दिन 2 दिवसीय एथलेटिक चैंपियनशिप सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित होगी। सोमवार सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सिलीगुड़ी शाखा की ओर से बताया गया कि इस बार के चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले के पुरुष व महिलाएं मिलकर लगभग 500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें महिलाओं के लिए 30 वर्ष व पुरुषों के लिए 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। আমাদের এখানে আগামী 22 ও 23 ডিসেম্বর রামপুর মাস্টার্স অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। এখানে সারা রাজ্য থেকে প্রায় 500 থেকে 600 প্রতিযোগী এখানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রায় 150 অফিসিয়াল এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এখানে উপস্থিত থাকবে। এই স্পোর্টসে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গৌতম দেব মহাশয় উপস্থিত থাকবেন এবং पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कूचबिहार जिला प्राथमिक विद्यालय संसद व कूचबिहार 2 नंबर पंचायत समिति के संयुक्त तत्वाधान में 37वां वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता हुआ।
आयोजित। इस दिन बच्चों ने मार्च निकालकर क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे रविंद्रनाथ घोष ने झंडो उत्तोलन किया व गुब्बारे भी छोड़े। मंत्री रविंद्रनाथ घोष के अलावा जिला शासक कौशिक साहा, कूचबिहार जिला प्राथमिक विद्यालय के सांसद के चेयरमैन कल्याणी पद्मा के साथ काफी संख्या में विशिष्ट लोग उपस्थित थे। उत्तर बंगाल व सिक्किम के प्रमुख समाचारों से अपने आप को हमेशा अपडेट रखने के लिए एसके लाइव चैनल को अभी अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। अब तक के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। उत्तर बंगाल एवं सिक्किम की तमाम खबरों पर अपनी नजरें लगातार बनाए रखने के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।